गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा की असीम कृपा जिन पुण्य आत्माओं पर होती है वे ही ये सत्संग वचनों को सुन पाते हैं। सत्संग में आने से आप जी को पता चलता है कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम अपने जो दिनचर्या करते थे, जो हमारे परंपरागत कार्य थे, रीति रिवाजें थी, हम उन्हीं को अंतिम मान रहे थे। जब हमने परमात्मा के विधान का ज्ञान हुआ तो पता चला कि मूल उद्देश्य मनुष्य जीवन का कुछ और ही है। परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य क्रियाएं जो हम कर रहे हैं वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, फिर मनुष्य जीवन की आवश्यकता क्या थी, ये सत्संग से ही जानकारी होती है। और सत्संग परमात्मा ही करते हैं, कराते हैं। परमात्मा के बिना हमें कोई सत्संग बता नहीं सकता, सुना नहीं सकता। ये दास भी परमात्मा के द्वारा दिए गए उस सत्संग का आगे प्रचार ही कर रहा है। सत्संग परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, लेकिन वो एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, वो ऐसा सूक्ष्म वेद है, उसके गूढ़ मंत्रों को समझना, उनके रहस्य को समझना ये आम जीव के बस की बात नहीं है। जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं उनकी हृदय की अविद्या नाश कर देते हैं, दास की दिव्य दृष्टि को ओपन कर देते हैं, तब इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझा जाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये गूढ़ रहस्य यथार्थ ज्ञान और सत्संग स्वयं अपने मुखारविंद से हमें सुनाया था, लेकिन उस समय पूरा मानव समाज अशिक्षित था। सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर रहे, तो उसमें वो लीला करके गए जो भगवान के स्वाभाविक गुण हैं, परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा जैसी लीला किया करता वो स्वाभाविक है उनकी, और उन्हीं का प्रमाण, उन्हीं का गुणगान पवित्र वेद कर रहे हैं जिनको हम सत ग्रंथ मानते थे और मानते हैं। तो उस समय हम नहीं समझ सके, और इन काल प्रेरित संतों, ऋषियों, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस अनमोल ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। उन्होंने हमारे सामने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी ये कहकर के परमात्मा कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये वेदों और गीता को नहीं समझ सका, इसलिए ऊट पटांग बातें बक रहा है, तो ये मान लेना स्वाभाविक था। ये काल के दूतों के पास एक ऐसी जड़ी थी जो प्रत्येक समाज ने स्वीकारी होगी कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए जो ये बोल रहे हैं ये वेदों और गीता के विरुद्ध और पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। जबकि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले बोला था, ज्ञान लिपिबद्ध हुआ पवित्र कबीर सागर में,
वो ज्ञान आज सारा का सारा पवित्र वेदों से, पवित्र पुराणों से, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से मेल खा रहा है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर ने उस समय अब यही ज्ञान कुछ एक पुण्यात्माओं के अंतःकरण की अविद्या हटाकर उनकी दिव्यदृष्टि खोल कर दिया था। उनमें से कौन है? आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ाणी वाले, हरियाणा प्रांत में, गांव छुड़ाणी, जिला जजर। और उस समय जब परमात्मा स्वयं आए हुए थे, उसी समय पैरेलल आदरणीय धर्मदास साहेब जी को, आदरणीय नानक दास साहेब जी को, आदरणीय मलुकदास साहेब जी को, उसके बाद आदरणीय दादू दास साहेब जी को, आदरणीय गीसा दास साहेब जी को, और भी कई महापुरुषों से वो मिले हैं। आदरणीय नामदेव साहेब जी को, आदरणीय रविदास साहेब जी को भी परमात्मा ने अपनी महिमा बताई और सतलोक के दर्शन कराए थे। धर्मदास जी को परमात्मा कबीर देव जी ने ये यथार्थ ज्ञान सुनाया, धर्मदास साहेब जी ने लिपिबद्ध किया जो आज हमारे हाथों में है, और उनसे एक प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इस तत्व ज्ञान को जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, सुना रहा हूं, तुम लिख रहे हो, इसके गूढ़ रहस्य मैंने तुम्हें बता दिए हैं, लेकिन आप जी इन गूढ़ रहस्यों को अभी प्रकट नहीं करना, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य क्या थे कि गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। परमात्मा ने कहा था कि ये लिख दो, लेकिन अभी ये विचार व्यक्त ना करो, और ये ग्रंथों के अध्याय वगैरह ना बताना। क्यों? क्योंकि ये नकली गुरु संत इस सारे ज्ञान को याद कर लेंगे, सदग्रंथों से भी प्रमाण देना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन इनके पास वो मंत्र नहीं है, ये उस मंत्र के अधिकारी नहीं है जो मंत्र इन्हों दिया जाए और फिर आगे इनको देने का आदेश दिया जाए। परमेश्वर ने कहा था कि जब पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग में, उस समय इस ज्ञान का हम प्रकाश करेंगे, इस नाम का भी प्रकाश होगा। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। 650 वर्ष पहले परमात्मा कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। जो ज्ञान आज आपके समक्ष परमात्मा की दया से ये दास रूबरू करा रहा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति बताई है, कहते हैं ये मूल ज्ञान अभी किसी को बाहर नहीं बताना। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। पुण्यात्माओं, अब इस पवित्र भारतवर्ष में विद्या प्रारंभ हुई है। कब से? सन 1947 से पूर्व भारतवर्ष में शिक्षा नहीं थी। इक्का दुक्का व्यक्ति कोई शिक्षा ग्रहण करता था। अंग्रेजों का राज्य था, वो नहीं चाहते थे कि भारत की जनता शिक्षित हो और कहीं तुम्हें यहाँ से निकाल ना दे। लेकिन परमात्मा की रजा हुई, उनको जाना भी पड़ा, और सन 1947 के बाद भारतवर्ष में शिक्षा की बाढ़ सी आ गई। 1951 में दास का जन्म हुआ। इस दास को भेजा अपने कुत्ते को परमात्मा ने, आप धनियों को जगाने के लिए, आपके लिए भौंकने के लिए, और इस यथार्थ ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 1951 के बाद फिर ये शिक्षित यानी बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलियुग की, और आज शिक्षा चरम सीमा पर है।
आज से 10-15 वर्ष 12 वर्ष पहले ये कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ये चैनल नहीं थी टीवी चैनल। अब परमात्मा ने रजा बख्शी है ये गॉड गिवन टेक्निक है, ये जीव के सतर का नहीं है। कंप्यूटर बना लेना या ऊपर सैटेलाइट सेट कर लेना, स्काई लैब बना लेना, ये जीव के नहीं, जीव के बस की बात नहीं है। या वायुयान बना लेना, ये परमात्मा यानी गॉड गिवन टेक्निक है, नॉलेज है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी, इन सदग्रंथों को रूबरू करना पड़ेगा। और ये यदि ऐसी टेक्निक ना होगी, कोई मौखिक कहता रहेगा तो ये विरोध घना करवा देंगे। ये नकली दुष्ट लोग जो गुरुपद पर विराजमान हैं और भोली आत्मा इनको सच्चे गुरु मानकर इनकी हर बात का समर्थन करते हैं। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए, तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने इस टेक्निक को, इस जीव को दिया। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, एक समय में 10-10, 20-20, 100-100 जगह प्रकट होकर के परमात्मा ने वो ज्ञान प्रचार किया था। 64 लाख शिष्य हो गए थे, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने प्रचार शुरू कर दिया था। और 5 वर्ष की आयु में रामानंद जैसे मर्मज्ञाता माने जाने वाले वेदों और गीता और पुराणों के उनको छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने, उनको नतमस्तक कर दिया था और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उसको विवश होना पड़ा था। उसी समय से परमात्मा ने ये प्रचार किया और उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे प्रभु के, सन 1518 तक। 64 लाख शेष हो जाना जबकि कोई मीडिया नहीं था, कोई अखबार समाचार नहीं थे, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस ऐसी थी, तो उस समय परमात्मा ने स्वयं ही इस मीडिया का काम किया था। सैकड़ों जगह प्रगट हो जाते थे, कम्युनिकेशन इतना था नहीं। एक ही दिन में 100-100 जगह प्रकट होकर परमात्मा ने कहीं पर भी खड़े होकर चौराहे पर आवाज लगानी शुरू कर दी। क्या आवाज लगानी शुरू कर दी? झूठे सुख को सुख कह ये मान रया मनमूद, ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा की सुरीली आवाज खड़े होकर चौराहे पर गाना शुरू कर देते थे। 50-100, 200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे परमात्मा ये ज्ञान सुनाते रहते थे। और कुछ एक दुखी निकट आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, सुखी हो जाते थे, फिर वहां तहलका मच जाता था। ऐसे परमात्मा के 64 लाख से सुए, लेकिन वो ज्ञान नहीं समझ सके। लेकिन उनके दुख जो निवारण हुए, उनसे वो प्रभावित बहुत रहे। और जिस कारण से अपने रिलेटिव्स को उन्होंने जाकर बताया कि परमात्मा आए हुए हैं, ये परम शक्ति युक्त हैं, हमारा ऐसा कष्ट था, हमारा ऐसा असंभव कार्य था, हमारे ऊपर ऐसे संकट आए हुए थे, हम ठीक हो गए। क्योंकि वो तो स्वभाव है परमात्मा का, क्योंकि बर्फ का स्वभाव है कि जले हुए पर भी डाल दे तो वो भी शीतलता पैदा कर देती है। तो परमात्मा के गुण हैं जो दुखी आत्मा उनके निकट आते हैं, अपने स्वभाव व सुखी वो कर देते हैं, क्योंकि कबीर परमेश्वर सुख सागर हैं। जिस कारण से 64 लाख का ग्रुप तो बन गया, लेकिन उन्होंने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। कारण क्या रहा कि वो अशिक्षित थे और भ्रमित करने वाले लोग ये कहते रहते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये नहीं जानता वेदों के बारे में, ये जादूगर है। अब जैसे पुण्यात्मा
परमात्मा कबीर परमेश्वर जी दोनों धर्मों के प्राणियों को, क्योंकि हिंदू और मुसलमान भारतवर्ष में अत्यधिक थे, इन दोनों ही धर्मों के व्यक्तियों को समझाया करते थे कि तुम अज्ञानतावश यथार्थ साधना ना करके आप ऐसी साधना कर रहे हो जो तुम्हें हानिकारक होगी। ब्राह्मणों को कहा करते थे जो हिंदू धर्म के गुरु कि तुम इन भोली आत्माओं को यथार्थ ज्ञान ना दे करके लोक वेद सुना रहे हो और तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बता रहे हो, इन्हीं की पूजा तक सीमित कर रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। उधर से मुसलमानों को बताया करते थे कि तुम जो रोजे रखते हो ये है तो शास्त्र विरुद्ध साधना, इसके साथ साथ फिर तुम बकरे को हलाल करते हो, ये महापाप के भागी हो तुम, और इन भोली आत्माओं को भी पाप से ग्रस्त कर रहे हो। कबीर परमात्मा प्रसन्न किया करते थे इन नकली गुरुओं को, काजी और मुल्लाओं को, कि तुम कहते हो कि हमने इस बकरे को हलाल कर दिया, बकरे को हलाल करके और भिष्ट भेज दी इसकी रूह को, परमात्मा से अल्लाह से हमने प्रार्थना कर दी। परमेश्वर कहा करते थे जय या रूह तें भिष्ट पठाई तो कर तदबीर कबीला बाई। परमात्मा कबीर जी उनको तर्क संगत कहा करते थे कि यदि तू ये पक्का मानता है कि बकरे को हलाल कर देने से, इसकी गर्दन काट देने से, इस पर कलमा पढ़ देने मात्र से बकरे की रूह, बकरे की आत्मा यदि स्वर्ग चली गई, तुझे कॉन्फिडेंस है और स्वर्ग पाने के लिए तो शेख फरीद जैसों ने कुएं में 12 वर्ष तक उल्टा लटका जीवन समर्पित कर दिया, जान की परवाह नहीं की, स्वर्ग तक उनकी बुद्धि सीमित थी कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, और यदि आप अपने इस क्रिया को सही मान रहे हो कि बकरे की रूह स्वर्ग पहुंचा दी तो कर तदबीर कभी लवाई, तो अपने परिवार को तू स्वर्ग पहुंचा के दिखा दे, बकरे की तरह मान जाएंगे तेरी यह साधना सही है। अब इन बातों से दुखी होकर इन काजी और मुल्लाओं ने और इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा का बहुत जबरदस्त विरोध जनता से करवा दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासमान बताते हैं। उधर से मुसलमानों को बहका दिया कि ये मांस खाने को मना करता है और बकरे को हलाल करना व्यर्थ बताता है, ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध व्याख्या कर रहा है, ये पापी है, अपराधी है। इत्तफाक से काशी में एक दिन सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह चले गए, क्योंकि वो सम्राट थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे, उसके अंतर्गत अन्य नरेश आते थे छोटे छोटे, जैसे काशी नरेश, बिजली खां पठान, जो छोटे छोटे नवाब पूरे देश में थे वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत उसके गुलाम होते थे। एक दिन सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया काशी में, और मुल्लाओं और काजियों और ब्राह्मणों का दाव लग गया, हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के शेख तकी नाम का जो सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था, पीर था मुसलमान, जो सिकंदर लोधी के साथ ही रहता था, वो भी साथ गया हुआ था, उसके साथ विचार विमर्श किया उन हजारों मुसलमानों ने और कहा कि ऐसे ऐसे एक कबीर नाम का व्यक्ति जुलाहा धारणक
इस्लाम धर्म की तोहीन करता है, बदनामी करता है, इस्लाम धर्म को वो आगे चलने से बाधा कर रहा है और कहता है मांस मत खाओ, बकरे को हलाल मत करो, ये पाप है, अपराध है, इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलता है। शेख तकी ने सिकंदर लोधी के कान में पट्टी चढ़ा दी कि महाराज ऐसे ऐसे एक इस्लाम धर्म का विरोधी है, कबीर नाम है उसका, और वो बहुत परेशान कर रहा है हमारे यहाँ के मुसलमानों को। और साथ में क्योंकि ये झूठ बोलने वाले बड़े तर्कबाज होते हैं, साथ में ये भी कह दिया कि वो हिंदू है। और यहाँ का नरेश वीरदेव सिंह बघेल ये हिंदू राजा है, ये हमारी नहीं सुनता है। सिकंदर लोधी को बड़ा क्रोध होया कि इस्लाम धर्म का कोई विरोधी है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि कौन है उसको लाओ पकड़कर। और साथ में उन निंदकों ने, चुगली करने वालों ने, शिकायतकर्ताओं ने यह भी कह दिया कि वो अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को अल्लाह कहता है। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ पकड़ कर लाओ। और बाहर बहुत बड़े जन समूह को देख कर राजा लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि जनता में कहीं बगावत ना हो जाए, तो फिर वो नहीं देखते आगा पीछा हम क्या करने जा रहे हैं। ये राजा लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो अपने राज्य के बचाव के लिए ऐसे जुल्म कर देते हैं जो आगे चलकर उनको बहुत भयंकर सिद्ध होते हैं। परमात्मा को पकड़ लाए। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखा, चलचित्र की तरह देख करके फिर लिखा है। पुण्यात्माओं एक दिव्य दृष्टि होती है, गॉड गिवन। कुछ ऋषि संत महंत साधक परमात्मा की एक सिद्धि प्राप्ति का साधना होती है, उसको करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास भी दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसी दिव्य दृष्टि के आधार से वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध में होने वाली भविष्य की घटनाओं की जानकारी पूर्व दे सकते हैं, लेकिन उनमें वो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे वेद व्यास जी को ये सिद्धि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि उसके पास थी, और वो सिद्धि वो अन्य को भी दे सकता था, उसने संजय को दे दी थी। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध सुनाया था एक स्थान पर बैठकर, कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को, और इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए उनको सुना दिया था। तो वो दिव्य दृष्टि होती है। ऐसे ही परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वो दिव्य दृष्टि दे दी थी, उनका ज्ञान योग अर्थात दिव्य दृष्टि खोल दिया था। उस दिव्य दृष्टि की रेंज होती है, जैसे दूरबीन की रेंज होती है, कुछ इतने दूर तक दिखा सकता है, दूसरा इतनी दूर तक दिखा सकता है, देख सकता है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटनाओं को इस कलयुग में उस समय के चलचित्र की तरह देखकर लिख दिया था। व्यास जी ने 18 पुराण, वेद और गीता जी, इनका लेखन कार्य भी उस दिव्य दृष्टि के आधार से, जो चलचित्र की तरह, चलचित्र मीन फिल्म मूवी की तरह है, वार्ता होते नजर आते दिखते हैं उसको। जैसे महाभारत के युद्ध में प्रारंभ में श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल भगवान अर्थात सर्वपुरुष सर्वब्रह्म इस ज्योति स्वरूपी निरंजन काल ने दिया था। श्री कृष्ण का शरीर बोल रहा था, मुख बोल रहा था, लेकिन अंदर बोलने वाली कैसेट कौन थी? वो काल था। काल स्वयं प्रवेश कर गया और कृष्ण जी की आत्मा को अलग खड़ा कर लिया, अलग से उसी में दबा लेते हैं वो आकर के, बोल नहीं सकते, मूर्छित कर देती है जो तगड़ी आत्मा किसी में प्रवेश करके, भूत की तरह
और स्वयं बोलते हैं। जो भी वार्ता फिर व्यास जी ने उसके कई वर्ष बाद युद्ध में बोली गई गीता जो वार्ता संवाद काल और अर्जुन का हुआ था, वो कई वर्ष बाद ऐसे चलचित्र की तरह जो भी वाक्य बोले जा रहे थे वो हवा में घूमते रहते हैं। और पुण्यात्मों, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में ये सब चलचित्र फीड हो जाते हैं। अब जैसे ये टीवी चैनल हैं, इनसे चला हुआ कार्यक्रम सबके टेलीविजनों में पहुंच जाता है जिनका कनेक्शन उनके साथ है, और जो डिस्कनेक्टेड हैं उनमें नहीं आता। तो ऐसे ही जिनका कनेक्शन शुरू हो जाता है तो वो फिर कार्यक्रम कभी भी देख सकते हैं, जैसे टेलीविजन में हम देख सकते हैं कोई सीडी डाल के, यानी ऐसे। तो ऐसे वो पूरा का पूरा जो पूर्व बीती हुई घटनाओं का विवरण एक एक अक्षर जो बोला गया था श्रीमद् भगवद गीता रूप में श्री व्यास जी ने लिपिबद्ध कर गया था। ऐसे ही गरीबदास साहेब जी को परमेश्वर कबीर जी ने दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोला, और संवत 1784 में गरीबदास जी को परमात्मा मिले। सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। सन 1727 में परमेश्वर कबीर जी उनको छुडानी माकर मिले थे। तो उस समय उस परमात्मा ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था गरीबदास साहिब जी का, दिव्य दृष्टि दे दी थी। तो गरीबदास जी ने चलचित्र की तरह जो भी घटना परमात्मा ने पूर्व जन्मों में जिसके साथ जो भी वार्ता की, और बनारस में आकर के सन 1398 से सन 1518 तक जो कुछ भी मालिक ने वहाँ लीलाएं की थी, वो उस चलचित्र की तरह जो वार्ता हो रही थी उनकी एज इट इज अपनी लैंग्वेज में वो विवरण लिखा है। सहा सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुराने, गरीबदास जुलहदी पर इब हो खेचा ताने। अब गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर कबीर जुलाहे पर इब खेचा ताण शुरू होगी, इन झूठा ने दुष्टों ने राजा को मिसगाइड कर दिया। क्या कहने लगे वो मुसलमान पीर, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब कहते हैं मुसलमान के उन पीरों ने पकड़ी अपनी पगड़ी उतार कर पटक दी सिकंदर लोदी के सामने, हमारी इज्जत का नाश कर दिया, और वो दानक जो लाहान्यू कह है मैं भगवान हूँ, अलख अल्लाह मैं हूँ, वो तुम्हारा अलख अल्लाह अल्लाहु अकबर मैं हूँ। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अल्लाह मैं हूं। जो कहे अल्लाह अलख अल्लाह मैं हूं। अब दस ऐधी तलबा हुई पकड़ जुला दीला वो, गरीबदास उस कूटन को मारत नहीं संकावे। अब सिकंदर लोदी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको, अगर ऐसा निकम्मा व्यक्ति है तो उसको यही कत्ल कर दूंगा तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सैनिक भेज दिए, 10, क्योंकि नंबर बनानिया की कमी नहीं। ऐधी ले गए बांध के परमात्मा को, अथकड़ी जड़ के अथकड़ी बांध के ले गए मालिक को चोर की तरह। अपने आत्माओं, परमात्मा की महिमा से लीला से आपको ये पता लगेगा कि वो इतने दुखी क्यों हुए, आपके लिए हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं, और अपनी नालायकी के कारण हम गलत जगह फंस गए। और बाप को बहुत दुख होता उसके बच्चा बेटा बेटी संतान कहीं किसी गलती के कारण कोई गलती करते हैं, कहीं कष्ट में फंसी हों, उनको नींद नहीं आती,
चैन नहीं पड़ता। तो यही दशा हमारे कबीर भगवान की है, वो हमारे लिए यहाँ आते हैं, इतना इतना कष्ट उठाते हैं, किस लिए कि किसी तरह ये मुझे पहचान ले और मैं उनको ले चलूँ सतलोक में, ये सदा सुखी हो जाए। न उस परमेश्वर का क्या उद्देश्य था, ये लोक वेद विरुद्ध वचन बोलने का यही उद्देश्य था कि भोली आत्मा मुझे पहचान ले और ये सदा सुखी हो जाएंगे। दस अधीले गे बांध कर सहा सिकंदर पासे, गरीब दास का जी मुला पगड़ी बह आकाशे। अब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सामने उसके सिर कलम कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी उठा के सिर पे रख ली और कहने लगे आज हो जाएगा इसका काम, आज ये खत्म हो जाएगा दुश्मन, परमात्मा को दुश्मन की दृष्टिकोण से हम अज्ञानी देख रहे थे। आसपास क्षेत्र के सभी काजी मुल्ला आ गए, काजी 5,000 हैं ये मुल्ला पीटे शीशे, गरीब दास ये जुलह दी का फिर बिस्वे बीश। अब 5,000 तक काजी और मुल्ला कट्ठे हो रहे अन्यों के राजा को कि ये तो काफिर है काफिर, मेहर दया इसके नहीं। अब काफिर सिद्ध करने का उनका दृष्टिकोण क्या तर्क था कि ये मांस नहीं खाता, यू काफिर है। कबीर परमेश्वर को वो पाप आत्मा का जी और मुल्ला कह रहे हैं कि ये मांस नहीं खाता, ये काफिर और मांस खाने का विरोध करता, इसलिए काफिर दुष्ट है, ये ढेड है। अब वो क्या कहते हैं काजी और मुल्ला, मेहर दया इसके नहीं, यो मट्टी मांस नहीं खाए, गरीब दास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। क्या जिसने मांस खुआवांगे और गाय का काट के खुआवांगे और बुला लो इसके माता पिता को, बुला लो मोमिन इसके माता पिता को, मोमिन माने क्योंकि ये नीरो भी मुसलमान था लेकिन वो हिंदू से मुसलमान बना था, बनाया गया था बाई फोर्स। नीरो भी पकड़े गए संग कबीरा माए, नीरू भी पकड़ लिया और कबीर जी की मुंह बोली माता को भी पकड़ लाए। गरीब दास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय, वहां एक गाय को कत्ल कर दिया जिसके पेट में गर्भ था। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है, दास गरीब गुजरे नहीं कैसे बैठे मोने। अब सिकंदर लोदी कहने लगा कि बोल तू कौन है, अब बता तू भगवान कहता था अपने आप को, यदि तू अपने आप को अल्लाह कहता है तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने एक गाय को शब्द से मार कर उसको जीवित कर दिया था, वचन से मार कर वचन से जीवित कर दिया था, अब हमने इस गाय को काट दिया है कत्ल कर दिया, तू उसको जीवित कर दे अगर तू अपने आप को अल्लाह खुदा कहता है, अब क्यों चुपचाप बैठा तू बोलता क्यों नहीं। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है, गरीब दास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन है। परमात्मा खड़े हो गए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी हमरा नाम कबीर। अब परमेश्वर बोले खड़े होकर, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास जी बता रहे हैं कबीर साहब नो बोले, गरीब दास खालक धनी, खालक माने सारी सृष्टि का रचनेहार, सृष्टा मैं हूं और मेरा नाम कबीर, वो अल्लाहु अकबर मैं ही हूं, मैं कबीर सर्वंग हूं, सर्वंग बिन वासुदेव, मैं वो वासुदेव हूं जो सभी के ऊपर मेरी सत्ता है,
और सब के ऊपर मैं कंट्रोलर हूँ, सब जगह मेरी ही सत्ता चलती है और मेरी पावर सबको कंट्रोल किए हुए मेरे अंतर्गत है, मेरा सब जगह निवास है। मैं कबीर सरबंग हूं, सकल हमारी जात गरीब दास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दर्ग खंड अजोते, गरीब दास उस गौ का फिर पीवे जुल्हा दूध। कैसे चुटकी तारी थाप दे गूंजवाई बेग, गरीब दास दूध जन लगी दूध भरी दा देग। अब परमात्मा ने खड़ा होकर के एक ऐसे चुटकी मारी और कहता अभी ले, अभी कर देता हूं, और एक हाथ से गाय के कटे हुए शरीर को छू दिया और दूसरे हाथ से गाय के गर्भ से निकले हुए बच्चे को, जो उसके भी दो टुकड़े हो गए थे, उसको भी परमात्मा ने छू दिया। और दोनों ही ऐसे, दोनों गाय के टुकड़े और बच्चे के टुकड़े अलग अलग जुड़ के और खड़े हो गए, और बच्चे को लगा के माँ के नीचे, गऊ के नीचे, और फिर हटा के एक तरफ, और दूध की बाल्टी भर दी परमात्मा ने। और क्या कहे खड़े होकर के, कहने लगे गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह, गरीब दास घी दूध को सभी आत्म खा। अब जिस ममड़ी का दूध पियो और घरत दूध बहु खाई और उसको फिर तुम कत्ल करो, लेकर कर्द कसाई, जिसका तुम दूध पीते हो वो माँ के तुल्य होती है। माँ का दूध पीते हो माँ है, दूसरे का दूध पीते हो तो वो माँ ही हुई जो तुम्हें दूध पिला रही है, और फिर उस माँ को तुम मारते हो। यो परचा प्रथम भया सा सिकंदर पासे, गरीब दास का जी मुला हो गे बहुत उदास। सा सिकंदर देख कर बहुत भये मुस्कीन, गरीब दास गत शेर की अब थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खंब गति सा सिकंदर लोटे, गरीब दास जुल्ला कहे ल्याओ कित है गोट। अब तुम नो को थे न मांस खुआवांगे, परमात्मा खड़े है नौकति खंबे की तरह, और सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया इस अनहोनी को देखकर, परमात्मा की लीला को देखकर। और परमात्मा कह रहे हैं कबीर जी के लाओ कहाँ वो मांस तुम्हारा, मुझे मांस खिलाना चाहते थे। अब परमात्मा क्या बताते हैं, अग्रम मग्रम थाड़ दे यो मान हमारी सीखी, कहती है तुम अटपट छोड़ दो जो कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को मान लो। अग्रम मग्रम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीब दास के साहा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए, अब काजी और मुल्ला नाराज हो गए जब सिकंदर लोधी ने उस परमात्मा के चरण पकड़ दिए। ओए होए, वो तो यूं गए थे कि आज इसको खत्म करवा देगा राजा और इसके टुकड़े टुकड़े करवा देगा। काजी मुल्ला उठ गए सा कदम जदली ने, गरीब दास उस जुल्ह दी की ना कोई सरबर की ने। अब परमात्मा ने उनको फिर काफी देर तक समझाने की चेष्टा की, और पहले भी परमात्मा उनको ये ज्ञान दिया करते थे। कासी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीब दास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब परमात्मा कबीर जी समझाते हैं उनको, सुन काजी राजी नहीं वो आप अलग खुदा, गरीब दास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाय, कि तुमने किस आधार से गाय को मारा, कौन से ग्रंथ में लिखा है बता दो भगवान ने, को मांस खाने का तुम्हें आदेश दिया हो। पुण्यात्माओं, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म, ये बाबा आदम को
अपना पूर्वज मानते हैं, अपना सबसे प्रथम पुरुष मानते हैं। और बाबा आदम को कहते हैं परमात्मा मिले और उनकी उत्पत्ति भगवान ने ही की। पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ उल्लेख है लगभग 60% कुरान शरीफ में वही उल्लेख है। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के प्रथम अध्याय के मंत्र नंबर 26 में ये लिखा है कि परमात्मा ने 5 दिन जब सृष्टि रची, पांचों दिन कुछ बनाया, एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तो छठे दिन परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। और 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। उसमें परमेश्वर ने लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में, कि मनुष्यों को खाने के लिए ये छोटे छोटे बीज वाले पौधे और बड़े पेड़ जो फल बीज वाले फल हैं, ये सभी फल और ये बीज जैसे गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार, ये खाने के लिए सामक, ये तुम्हारे खाने के लिए है, उसमें किसी भी मांस के खाने का प्रावधान नहीं किया परमात्मा ने। यहाँ तक कि अन्य प्राणियों को भी, जल और थल के जितने प्राणी हैं उनके लिए बताए, छोटे छोटे घास खाओ तुम, ये पत्ते ये तुम्हारे लिए दिए हैं। पुण्यात्माओं, यदि कुरान शरीफ में और यदि पवित्र बाइबल में आगे कहीं ये लिखा हुआ है कि मांस खाओ, वो किसका आदेश है? वो प्रभु का नहीं, क्योंकि परमात्मा अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचकर और जो आदेश देना था वो फाइनल अपना विधान बताकर और जाकर वो सतलोक में विराजमान हो गए तख्त पर बैठ के। उसके बाद यदि किसी देव ने या किसी फरिश्ते ने या किसी ऋषि या पीर गुरुजी ने ऐसा करने का विधान बताया है, मांस खाने का, गाय काटने का, बकरे काट कर हलाल करने के, उनको मुक्त करने का, तो ये विधान भगवान का नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष और संत या ऋषि गुरु पीर का आदेश है। और उस आदेश के पालन करने से यदि भगवान का विधान खंडित होता है तो हम दोषी हैं और दंड के भागी हैं, क्योंकि भगवान ने तो आदेश दिया ही नहीं मांस खाने का, उन्होंने स्पष्ट किया। देखिएगा एक बार ये पवित्र बाइबल, क्योंकि आपकी रूबरू हो जाएगा तो आंखों देखकर हम परमात्मा के विधान को आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट अंग्रेजी में, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति ये इनका सारा कुछ है। और ये यहाँ पर है फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफाइड, मशहूरी इतने USA में। तो इसमें लिखा है बिल्कुल प्रारंभ में, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा गया, नहीं दूर जान के हो सकता भी नहीं इसमें। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति आरंभ, यहाँ से स्टार्ट होती है 4 पृष्ठ पे। अंग्रेजी में इसको जेनेसिस कहते हैं। अब क्या किया परमात्मा ने, प्रथम दिन जो है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया, और फिर ये चौथा दिन हो गया 19 नंबर में,
सांझ भी फिर बोर हुआ, चौथा दिन हुआ, यानी चौथे दिन क्या क्या रचना की ऊपर लिखे। हम अपने मकसद को, उद्देश्य को लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 पे और इस 26 नंबर, यह अध्याय नंबर 1 है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 है, ये उत्पत्ति अध्याय नंबर 1। 4 पृष्ठ पर देखा, अब 5 पर देखेंगे। ये 2 का आगे शुरू होगा, ये 1 का ही चल रहा है। अब 26 नंबर श्लोक में लिखा है, आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। या ये उनसे उनका कंट्रोलर है, उनको खाने का आदेश नहीं। आगे देखो, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, अब यहाँ क्या बताते हैं, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, फलो फलो। अब परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये गेहूं चने बाजरा ज्वार सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, ये वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, नथिंग एल्स। आगे देखो, पशु पक्षियों तक भी यही आदेश है परमात्मा का, और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए घास, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि इस बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। और फिर परमेश्वर ने सातवें दिन, परमेश्वर ने जो अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहरा। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है, पवित्र बाइबल में। और ये भी सिद्ध हो गया कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, मनुष्य जैसा है साकार है। और पूरे ईसाई धर्म में पूछ लिए, किसी से डिस्कस कर देना, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। ये लोक वेद था, ये अनुभवहीन लोगों की बताई हुई व्याख्या पर आधारित थे। अब हमारे जिन सदग्रंथों को हम सच्चा मानते हैं तो उसको आज भी सच्चा ही मानना पड़ेगा, और वो सच्चाई है। अपने आत्मा, यदि पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान शरीफ में या किसी भी अन्य सदग्रंथ में किसी ने यह लिखा है कि मांस खाना या बकरे हलाल करना, गौ बिस्मिल कर देना, किसी अन्य का आदेश है, परमात्मा का आदेश नहीं है। और परमेश्वर का आदेश नहीं है तो परमात्मा के विधान के विरुद्ध है। जैसे एक व्यक्ति का मित्र था SHO, उस थानेदार की मित्रता होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। SHO ने कहा कि मार उसका लठ माफ देख लूँगा। अब उस व्यक्ति ने अपने SHO मित्र का आदेश पालन करके और पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया और उसके लठ मार दिया, और उसकी मृत्यु होगी उसके पड़ोसी की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यानी राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा या किसी का लठ मारेगा उसको दंडित किया जाएगा, और उसने अपने मित्र SHO का आदेश पालन करके राजा का विधान खंडित कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत मिली। किसको? जिसने दरोगा के आदेश का पालन करके, एक अधिकारी के आदेश का पालन करके और भगवान के यानी राजा के विधान को तोड़ दिया, यानी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उसको सजाए मौत मिली। ऐसे ही परमात्मा का आदेश नहीं है मांस खाने का,
और किसी ग्रंथ में किसी ने लिखा है तो वो परमात्मा का आदेश आदेश नहीं किसी फरिश्ते और किसी अन्य पैगंबर का हो सकता है, लेकिन उससे परमात्मा का विधान खंडित होता है, जिस कारण से मांस खाने वाले जीव हिंसा करने वाले वो महा अपराधी हैं, भगवान के दोषी हैं, उनको सजा मिलेगी। परमात्मा यही कहा करते थे। अब क्या कहा करते थे? सुनका जी राजी नहीं, आप अलह खुदाए, गरीब दास किस हुकम से तुमने अब पकड़ पछाड़ी गाय। उन आत्माओं देखो, एक इस बात को कहना, 800 वर्ष पहले मालिक ने तो यह सूक्ष्म वेद बोल दिया और उसी को सेकंड गरीबदास जी कर रहे हैं, परमात्मा के ही ज्ञान को अपने शब्दों में अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उन्हें अपनी तरफ से गरीबदास जी ने कुछ नहीं लिखा। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी पूछ रहे थे कि तुम ये बता दो किसके आदेश से तुमने गाय को काट डाला, बकरे को हलाल कर दिया, किसका आदेश है? अल्लाह का नहीं है, अल्लाह का आदेश नहीं है। तुम दोषी हो, अपराधी हो, ऐसा दुष्ट कर्म कर रहे हो। अगर तुम्हारे बच्चों को कोई काटे और मारे, तुम्हारे माता पिता को चाहे हलाल करके मार ले। अब ये क्या पली अड़ाते हैं अज्ञानी काजी मुल्ला कहा करते हैं, हम हिंदुओं की तरह निर्दयी नहीं है, वह तो सुअर को और झोटे को बकरे को झटके से मारकर बलि देते हैं, हम तो हलाल करते हैं और कलमा बोलते हैं, हम तो प्यार से करते हैं। अरे उसकी जान गई, तू प्यार बता रहा, अबला तुझे करें हलाल प्यार से, बंद दे तेरे हाथ पैर, कति उससे भी प्यार से कर देंगे करवा। परमात्मा ये कहा करते थे, क्यों मूर्ख बना रहे हो दुनिया को? अब बकरे की जान ले ली, चाहे हलाल करके ले लो, चाहे झटके से, उसकी तो जान गई। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञान था सारा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हटाने की चेष्टा की, लेकिन नालायकों ने विरोध घृणा करवा दिया। परमात्मा ने भी पता था कि अब ये चलेगा नहीं, उसमें तो वो लीला करके दिखा गए कि मैं भगवान हूँ और भगवान ऐसी लीलाएं करता है और तुम्हारे वेद और पुराण सभी यही बताते हैं। और 600 वर्ष पहले भगवान ने परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूँ, वे वेद जानते नहीं, ये चारों तुम्हारे पवित्र वेद ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन तो उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।